तो गाइस फाइनली रियलमी ने लॉन्च कर दिया अपना रियलमी वॉच 3 को और हमारे पास ये है और इसको बाय करके लेके आए भाई ऑफलाइन से। इसको लॉन्च किया गया है 3000 रुपीज की पहली सेल के अंदर ये मिलेगी भाई। और वैसे इसका प्राइस है 3500 रुपए। मेरे को ये 3500 में मिली, ऑफलाइन में कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है भाई फर्स्ट सेल वाला, लेकिन ऑनलाइन मंगाओगे तो मिल जाएगी, थोड़ी सी लेट मिलेगी। सारी चीजें बताता हूँ इस वॉच के बारे में, क्या 3000 रुपए में ये बढ़िया वॉच है और कॉलिंग वाली वॉच है भाई, ये कॉलिंग भी कर पाएंगे, कैसी क्वालिटी है, सारी चीजें बताऊंगा। वीडियो आपको पसंद आएगा तो भाई लाइक का बटन दबा देना, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो पसंद आएगा उसके बाद, तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई ये रहा हमारा Realme 3 का बॉक्स। इसमें यार ऑल डे कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ मॉनिटरिंग वाले सारे फीचर्स दिए गए हैं, 110 प्लस स्पोर्ट्स मोड हैं, 100 प्लस स्टाइलिश वॉच फेसेस मिले हैं, आपको दिखा भी दूंगा अभी। क्लियर ब्लूटूथ कॉलिंग वाला फीचर है और 1.8 इंचेस की लार्ज कलर डिस्प्ले है, स्टाइलिश एंड ट्रेंडी डिजाइन के साथ आती है। और मैंने इसका लाइट ग्रे कलर यहाँ पर परचेज किया है जो कि ज़्यादा बेटर लगता है ब्लैक के कंपेरिजन में। तो फटाफट इसको बाहर निकाल लेते हैं भाई। भाई काफ़ी नाइसली पैक्ड है और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है भाई इसका। सांप की तरह निकाला है ये। लंबी चौड़ी सी यूजर गाइड मिल जाती है भाई, काफी सारी चीजें हैं इसके ऊपर कि कैसे सेटअप करना है, कैसे चार्ज करना है। इसमें केबल है, एक प्रोप्राइटरी केबल मिल जाती है। अगेन ये वाला वर्ड मैंने पहली बार सही बोला है, मतलब दूसरी बार सही बोला है। उसके बाद वॉच काफी अच्छी तरीके से पैक की हुई है भाई, इसको निकाल लेते हैं बाहर। अब यार इस वॉच की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसका डिस्प्ले और इसका फ्रेम जो कि इसमें मेटल का देखने के लिए मिलता है, साथ ही भाई वो मैट नहीं है, वो शाइनी फ्रेम देखने के लिए मिलता है जो मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे को भाई सैमसंग की वॉच 4 क्लासिक बहुत ज्यादा अच्छी लगती है सिल्वर कलर के अंदर, और इसके अंदर भी भाई उसी तरीके का कुछ सिल्वर कलर दिया गया है, बहुत ही मस्त लग रहा है। और ये ना यार फ्लैट एज के अंदर आ रही है और पीछे से इसका ये प्लास्टिक आपको देखने के लिए मिलता है, सारे सेंसर्स वगैरह चार्जिंग के लिए है और ये भी कर्व है। और ये जो फ्रंट ग्लास भी है ना हल्का हल्का साइडों से ऐसे कर्व होकर जा रहा है, तो स्वाइप वगैरह करेंगे तो उसमें ज्यादा हेल्प हमें यहाँ पे मिलेगी, अभी चेक कर लेंगे। स्ट्रैप को इजीली आप चेंज करके कोई दूसरा यूज कर सकते हो, काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है अभी पहन के भी देखेंगे भाई। और ये शायद प्लास्टिक है इसका ये जो बकल वगैरह है, और ये रबर का है, अच्छा लग रहा है। ओवरऑल क्वालिटी अच्छी लग रही है वॉच की। यहाँ पे स्पीकर दिया गया है, यहाँ पे एक माइक्रोफोन दिया गया है जो कि हाई सेंसिटिव माइक्रोफोन बोल रहे हैं, साउंड क्वालिटी काफी अच्छी बताई गई है, अभी चेक कर लेंगे। इसको पावर ऑन कर देता हूँ, रियलमी का लोगो आ गया है। और इसका डिस्प्ले के बेजल आपको यहाँ पे पता चल रहे होंगे कि कितने देखने के लिए मिल रहे हैं, थोड़ा सा चिन्ह हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बाय द वे रियलमी लिंक एप्लीकेशन ना, उससे हम इसको यूज कर सकते हैं, तो रियलमी लिंक एप्लीकेशन यहाँ पे है भाई। काफी सारे और प्रोडक्ट भी साथ साथ मैं टेस्ट कर रहा हूँ। रिसेंटली रियलमी के बर्ड्स एयर 3 नियो को भी मैंने मंगाया था और 3-4 दिनों से इसको यूज कर रहा हूँ, इसका भी वीडियो चैनल पे आएगा भाई रिव्यू कंप्लीट, तो वेट कर लेना। तो इसको एक बार कनेक्ट करेंगे तो गाइस अभी रियलमी वॉच 3 नई है ना, कोई भी नया प्रोडक्ट रिलीज होता है तो डायरेक्टली ऐप में वो शो नहीं करता है। मैंने नॉर्मल कैमरा एप्लीकेशन में जाके इसको स्कैन किया और उसके बाद एपीके इसने डाउनलोड किया, उसके बाद इस रियलमी एप्लीकेशन के अंदर प्लस बटन पे जाके वॉच पे गया और तब मेरे को भाई यहाँ पे वॉच 3 देखने के लिए मिल गई है। ये ऊपर ही आ गया था भाई रियलमी वॉच 3 भाई, बहुत तगड़ी वाइब्रेशन मारी इसने। बाइंड, यस बाइंड सक्सेसफुल। और इसका ये वॉच फिर यहाँ पे आ गया है, क्या भाई एंटीटू स्कोर दिखा रहा है क्या ये, इतना लंबा छोड़ो स्कोर। अपडेट भी आ गया भाई, वॉच खोलते ही अपडेट, तो इसको अपडेट पे लगा देते हैं आप। तो यार ये इसका ना सॉफ्ट है तो ये हाथ में ना ऐसे यहाँ पे चुभ नहीं रहा है, लग नहीं रहा है बिल्कुल भी, और ये काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है भाई, मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा वाल है। इसका फ्रेम देखो भाई क्या शाइन मार रहा है, एकदम प्रीमियम लग रहा है। और वॉच भी ओवरऑल बैंड के साथ सिल्वर कलर में एक नंबर लग रही है। तो भाई ये इसकी होम स्क्रीन है, ऐसे नीचे से करते तो यहाँ पे नोटिफिकेशंस आ जाती हैं और इसको ये बैक बटन की तरह काम करता है साइड वाला। ऊपर यहाँ पे सारी इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। बाय द वे इसके अंदर ना 500 निट्स तक की ब्राइटनेस है, तो काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है, लेकिन इसके अंदर TFT LCD डिस्प्ले आपको दिया गया है और यहाँ पे फ्लैश लाइट और कुछ और सेटिंग्स वगैरह के ऑप्शन दिए गए हैं। बैटरी लेवल, वॉच फेसेस वगैरह 4-5 यहाँ पे डिफॉल्ट आप चेंज कर सकते हो। ये वाला जैसे मैं लगा देता हूँ काफ़ी मस्त लग रहा है। इधर की तरफ से जाओगे तो म्यूजिक कंट्रोल्स, वेदर इन्फॉर्मेशन और हार्ट रेट, स्लीप, एक्टिविटीज़। भाई इसका टच काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा है, मस्त तरीके से चल रहा है, एकदम उसी टाइम एकदम रिस्पॉन्स कर रही है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव वॉच लग रही है। और इस बटन को दबाओगे तो बैक बटन और मेन्यू की तरह भी ये काम करते हैं। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की इस वॉच की बैटरी लाइफ 7 डेज की आपको मिलती है और 2.5 आवर्स का चार्जिंग टाइम है इसका। 40 ग्राम्स के आसपास स्ट्रैप और वॉच को मिला के इसका वेट हो जाता है और IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। सबसे ज्यादा बड़ा फीचर है इसका भाई कॉलिंग और इसके अंदर ये डायलर वाला फीचर भी मिलता है। फोन के अंदर जाएंगे तो भाई यहाँ पे कॉल हिस्ट्री भी आपको दिखेगी, फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट्स यहाँ दिख जाएंगे और डायल पैड आएगा भाई यहाँ पे, जहाँ पे हम नंबर मिला सकते हैं भाई मस्त तरीके से भी। कॉल करके देखते हैं तो 198 पे कॉल करते हैं चलो, और स्पीकर तो ऑन ही रहेगा। एयरटेल में आपका स्वागत है, कृपया अपने
IVR की भाषा चुने। स्पीकर क्वालिटी मस्त लग रही है। हर्ष गेमर को कॉल लगा लिया जाए। हर्ष गेमर भाई का नंबर दिखा दूं, वायरल कर देता हूं नंबर। मिल रहा है। हेलो हेलो, मामू का आदमी, मामू का आदमी है। हाँ, आवाज कैसी आ रही है? बढ़िया एकदम। सही आ रही है? हाँ, थोड़ी दबी दबी सी आ रही है। थोड़ी दबी दबी सी आ रही है। बैकग्राउंड में से आवाज तो नहीं आ रही, वैसे शांत सी जगह पे तो क्या ही आएगी। हाँ अभी तो बिल्कुल मतलब स्टूडियो में ही है तो क्या ही आवाज आएगी। इतनी दूर से बात कर रहा हूँ तो थोड़ी सी कम हो गई है। अब कम हो गई है? तू तो रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता, आईफोन वाले हो तुम। ठीक है ठीक है। तेनू नाची गाई सबके मन बहलावा ए भैया। तो भाई जैसा हमारे हर्ष गेमर भैया का कहना है, आवाज़ थोड़ी सी दबी दबी आ रही है। स्टूडियो में थोड़ा सा एको एको होता है, हो सकता है उसकी वजह से है। आउटडोर भी थोड़ा बहुत हम टेस्ट करके बाद में देखेंगे इसको, जब कंपैरिजन वगैरह करेंगे तो और भी डिटेल में चीज़ें बताऊंगा आपको। हाँ हेलो, आवाज़ कैसी आ रही है भाई? आवाज़ वैसी आ रही, कम कम सी आ रही है। कम कम आ रही है? हाँ कम सी लग रही है आवाज़। बाहर की आवाज़ आ रही है? बाहर का साउंड आ रहा है? बाहर का साउंड नहीं आ रहा। अच्छा, मेरी आवाज कम आ रही है? हाँ हाँ। वर्कआउट्स के लिए भाई यहाँ पे 110 प्लस वर्कआउट मोड दिए गए, ऑलमोस्ट सारे ही मेरे को यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हार्ट रेट है भाई तो SpO2 है, लेकिन इसके लिए भाई मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट ज्यादा बढ़िया होते हैं, मैं ऑलवेज ये कहता हूँ। स्ट्रेस मॉनिटर, स्लीप ट्रैकिंग कर सकते हो ऑलवेज वाली। वर्कआउट रिकॉर्ड्स हैं, ब्री ट्रेनिंग अलार्म, वेदर, इवेंट रिमाइंडर, वुमेन्स हेल्थ टूल्स वगैरह में कुछ और चीजें, स्टॉप वॉच, टाइमर, बेसिक सारी चीजें मिल जाती हैं। कैमरा शटर की तरह भी यूज कर सकते हो, फाइंड फोन का फीचर है। वॉच फेसेस डिस्प्ले के अंदर बेसिक सेटिंग मिल जाती है, ब्राइटनेस वगैरह, स्क्रीन टाइम आउट वगैरह। इसको तो भाई 10 सेकंड पे करो, बहुत जल्दी बंद होती है, 15 ही कर दिया। रेस टू वेक वाला फीचर है भाई, बहुत सारे रियलमी की वॉचेस में मिसिंग होता है। साउंड वाइब्रेशन एकदम फोन की तरह दिया गया है। वाइब्रेशन इंटेंसिटी भी यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। ये वॉच ना एकदम झनझन आ रही थी भाई जब इसको मैंने अनबॉक्स किया था, तो उसको कम करने का भी फीचर है। ग्रिड में भी कर सकते हो भाई इसको ऐसे इस तरीके से। इसमें भाई एकदम स्मार्टफोन की तरह लग रहा है। ओ भाई इसका टच देखो, क्या मस्त टच काम कर रहा है एकदम बढ़िया तरीके से। तो यार इस वाली वॉच के अंदर ना वो सारी चीजें मिल जाती हैं, लाइक आपको हेल्थ मॉनिटरिंग हो, कॉलिंग वाली वॉच है भाई। तो इस प्राइस सेगमेंट में ना अदर ब्रांड्स की भी कॉलिंग वाली वॉच आती हैं, लेकिन उनकी स्पीकर क्वालिटी या माइक क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, मैंने पर्सनली यूज करके देखा है। भाई पब्लिक में ऐसे करके जाओगे, ऐसे करके बात करते घूमोगे तो थोड़ा अजीब तो लगता है और हाथ में भी दर्द हो जाता है। तो ये वाला भाई फीचर अच्छा है वॉच के अंदर, लेकिन आप कितना यूज करते हो उसको? अगर आपके पास कॉलिंग वॉच है तो कमेंट सेक्शन में बताना एक यूज केस इसका बहुत बढ़िया है। जैसे आप वॉशरूम में भाई, पता है भाई अजीब सा एग्जांपल है, लेकिन वॉशरूम में बैठे हो और बाहर किसी का इंपॉर्टेंट कॉल आपको आ गया और घर में कोई ना उठा ले, तो तुरंत आप वहां पे उठा लो और थोड़ी बहुत आप कर सकते हो वार्तालाप टॉयलेट के अंदर, वॉशरूम के अंदर सॉरी। अभी जैसे हमने एक दो कॉल करी थी और डायलर में हम जाएंगे कॉल हिस्ट्री में ना, तो यहाँ पे भाई देखो नंबर दिखा रहा है, मैं ब्लर कर रहा हूँ ताकि आपको पता ना चल जाए भाई। यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्ट वगैरह में यहाँ पे आप रियलमी लिंक से कुछ कर सकते हो, डायल पैड तो डायरेक्टली आ ही रहा है। और इसका डिस्प्ले ना 1.8 इंचेस का है। वॉच फेसेस वगैरह भाई इसके अंदर चेक कर लेते हैं कैसे हमें देखने के लिए मिलते हैं। रियलमी लिंक ऐप में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है। फेस गैलरी यहाँ पे है जिसमें भाई 110 प्लस यहाँ पे वॉच फेसेस हैं। ये वाला थोड़ा मस्सा लग रहा है, तो इसको एक बार सिंक करके देखते हैं कितनी देर में ये यहाँ पे सिंक करेगा। अच्छा, तो चार फेसेस ही एक टाइम पे रख सकते हैं भाई, तो एक हमें हटाना पड़ेगा, ये वाला हटा देते हैं भाई। भाई सिंक तो तेजी में हो रहा है। तो एक टाइम पे आप ना भाई चार ही वॉच फेसेस में सेट करके रख सकते हो। वाइब्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है भाई इसकी मेरी लैकिंग के। इसमें यार आप ना कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने वॉच फेसेस को अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंगली। वर्कआउट्स वगैरह में बहुत सारी, भाई साहब इतनी सारी एक्सरसाइज है भाई, मैं तो जिम ही नहीं जा रहा हूँ 2 दिन से। तो यार काफी सही कमाल की वॉच मेरे को लगी है, बस इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो थोड़ी सी दबी दबी आ रही थी। बाकी यार मेरे पास Realme की और Dizo की और भी वॉचेस हैं। ये Realme की वॉच 3 है, ये है Dizo वॉच D, और मेरे पास Dizo वॉच S भी है भाई। तो आपको कोई कंपैरिजन चाहिए तो भाई जरूर से बताओ, और एक वीडियो वॉच के ऊपर भी लाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। तो वीडियो अगर पसंद आया तो भाई वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।